वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। लास्ट हमने पढ़ा था कि दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो कैसे फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन हो गई थी, उसके बाद पेन बना था, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जायगॉट बना था। अब ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। अब हम डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी और मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी जो है वो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं जो फॉर्मेशन है एंडोस्पर्म की वो तीन तरीकों से हो सकती है प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एंडोस्पर्म था वो हमारा था ट्रिप्लाइड, 3N था, ठीक है। ये हमने पढ़ा था दैट वॉज 3N, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था वो था ट्रिप्लाइड 3N। अब इसमें देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंडोस्पर्म जो है वो तीन तरह का है, सबसे पहले न्यूक्लियर, देन सेलुलर एंड देन हेलोवियल एंडोस्पर्म। अब देखो सबसे पहले न्यूक्लियर में क्या होगा, न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियस की डिवीज़न है वो ज़्यादा होगी, जैसे इसका नाम बता रहा है न्यूक्लियर जो है वो बार बार डिवाइड करेगा। अब देखिए जैसे आपने सेल डिवीज़न उसमें आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने क्या पढ़ा है कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न पहले होता है उसके बाद सेल का डिवीज़न होता है, नॉर्मल प्रोसेस जो है। लेकिन यहाँ पे ये एंडोस्पर्म इसमें सेल कैसे डिवाइड होगा, इसमें न्यूक्लियस ही डिवाइड होता रहेगा। इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म में जैसे नॉर्मल जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके पास सेल, यानी कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस। और हेलिवल में दोनों ही होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन भी होगा और सेल का भी होगा। कैसे, देखो न्यूक्लियर डिवीजन इसमें जो न्यूक्लियस है वही डिवाइड होते रहेंगे, जैसे मान लो ये एक सेल है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो बना देंगे, और उसके बाद जो है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन उसके बाद स्टार्ट होगी, अभी नहीं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल जो दिया है वो कोकोनट का दिया है, कोकोनट हमने देखा है उसमें जो अंदर वाटर होता है वो क्या है, दैट इज़ फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, और उसके बाद जो वाइट जो कर्नल होता है, वाइट पार्ट जो उसका होता है, दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीज़न फॉलोड बाई द साइटोकाइनेसिस। अब देखिए इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें जैसे इसमें आप देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में ये कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, ये डिवेल्प टू फेजेस में डिवेल्प होता है, सिनोसिटिक और सेलुलराइजेशन। सिनोसिटिक फेज में क्या होता है, इसमें जो है न्यूक्लियस ही डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। द पेन डिवाइड्स एंड री डिवाइड्स टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर, इट गिव्स राइज टू द मल्टी न्यूक्लियट एंडोस्पर्म, को ये बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियट एंडोस्पर्म बन जाएंगे और सेंट्रल वैक्यूल जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। उसके बाद सेलुलराइजेशन फेज आ जाएगी, मतलब जो वॉल है सेल वॉल जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, साथ साथ नहीं। अब सेलुलराइजेशन फेज में देखो पहले ऐसे न्यूक्लियस का डिवीजन ही होता है, लेकिन एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद एक सेल भी वॉल भी बन जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे फिर उसके बाद सेल वॉल जो है वो बनना स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वॉल फॉर्मेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस बिगिंस फ्रॉम द पेरिफेरी से स्टार्ट होगा एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द सेंटर, यानी बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उससे वो सेंटर की तरफ वो बढ़ेगा। एंड इट मेक्स द एंडोस्पर्म में मल्टी सेलुलर टिश्यू, अब वो सेलुलर टिश्यू बन गया। अब इसमें एग्जांपल दिए हैं मेज व्हीट राइस का, अ नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म क्लियर टू सेलुलराइजेशन, जो न्यूक्लियस जो बने हैं वो पहले ही सेलुलराइजेशन के पहले ही बन गए, वेरीज ग्रेटली, और साइटोकाइनेसिस में स्टॉप परमानेंटली। अब कोकोनट जो वाइट कर्नल जो उसका होता है वो सॉलिड मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है, आउटसाइड में, और मिल्की जो अंदर जो इसका मिल्क जो वाटर होता है उसका, दैट इज फ्री न्यूक्लियर लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वो सारा सब कुछ यही लिखा हुआ है। और आगे देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, अब इसमें साइटोकाइनेसिस ओकर्स आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब एक बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस ही पहले डिवाइड होगा फिर तो उसके बाद एक सेल वॉल भी बन जाएगी, वो पूरा एक से दो, दो से चार इस तरह से, लेकिन पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। वो किसमें केसेस में होगा, लाइक डिटूरा, लाइक पिटूनिया, ठीक है, सो दैट एंडोस्पर्म इज फॉर्म सेलुलर फ्रॉम द सेलुलर फॉर्म फ्रॉम द बिगनिंग से ही। अब आगे देखिए हेलोवल, इसमें हेलोवियल में दोनों ही होंगे, दोनों कैसे होंगे, अब देखो फर्स्ट डिवीजन जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि पेन बताया था, पेन से आपको याद रह जाएगा। अब इस फॉलोड बाई सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होगी और वो दो अनइक्वल चैम्बर्स बनाएगा, ठीक है, पहले साइटोकाइनेसिस होगी फिर वो दो अनइक्वल चैम्बर बनाएगा। अब उसमें जो लार्जर वाला है वो है माइक्रोपाइलर और जो स्मॉलर है वो है चैलेजा। अब चैलेजा जो है वो स्मॉलर है वो डीजनरेट हो जाएगा, और जो उसके बाद जो है न्यूक्लियर सब्सिक्वेंट डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर, उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है,
अब उसके बाद जो जो न्यूक्लियस की डिवीजन है वो माइक्रोपाइलर की तरफ जो फास्टर होगी, देन चैलेंजर चैम्बर वो डीजनरेट हो जाएगा, और जब उसके बाद में क्या होगा, वो द चैम्बर बिकम सेलुलर, उसके बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि दोनों सेल, पहले सेल दो चैम्बर्स में डिवाइड हो गया, फिर दोनों चैम्बर्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होगी, फिर एक बार जब न्यूक्लियर डिवीजन रुक जाएगी तो उसके बाद जो है सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आपको न्यूक्लियर क्लियर है, सेलुलर क्लियर है, तो हेलीवेल भी आपको क्लियर है। जैसे इसका नाम बता रहा है, न्यूक्लियर में सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन होती जाएगी होती जाएगी, उसके बाद जब न्यूक्लियस बहुत सारे बन जाएंगे एक साथ, तब सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी। और सेलुलर एंडोस्पर्म में स्टार्टिंग से ही, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग लिखा है, तो उसमें पहले एक न्यू पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है पहले, ठीक है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद सेल डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर सेल, मतलब तो साथ साथ चलते जाएगा। और हेलोवेल में दोनों, उसमें पहले दो चैम्बर्स बन गया, दो चैम्बर्स में खूब सारी न्यूक्लियर डिवीजन होगी, न्यूक्लियर डिवीजन, फिर वो सेल वॉल जो है वो फॉर्मेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब आगे देखिए, आगे जो लास्ट में लिखा हुआ है, एंडोस अबाउट द एंडोस्पर्मिंग एंड द नॉन एंडोस्पर्मिक। अब देखो इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो जो आपका एम्ब्रियो जो है इसमें बना, ठीक है, अब फ्यूजन हो गया ना, तो एम्ब्रियो बना और साथ में पेन भी बन रहा है आपका, ये क्या है, दैट इज एंडोस्पर्म है। अब एंडोस्पर्म का काम क्या है, एंडोस्पर्म का काम है दैट इज जो उसके लिए फूड जो है, ये डिवेलपिंग एम्ब्रियो है, इसके लिए फूड जो है ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब ये जब ये इसको एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा, अपने फूड फूड को कंज्यूम कर लेगा, तभी ये बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो बायो में कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये कंज्यूम कर ही लेगा या नहीं कर लेगा, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो जायगॉट या एम्ब्रियो हम बोलेंगे, ठीक है, जायगॉट से बना है एम्ब्रियो, फ्यूजन हुई, फ्यूजन होकर जायगॉट बना, जायगॉट से वो एम्ब्रियो में डिवेल्प हो रहा है। अब एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो को फूड की जरूरत है, फूड उसको कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। अब एंडोस्पर्म से मिलेगा तो देखिए, जो अगर कुछ जो एक प्लांट्स हैं उसमें एंडोस्पर्म को ये पूरा ही कंज्यूम कर लेगा, और कुछ एक प्लांट्स हैं जिसमें वो एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम नहीं करेगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो देखो जिसमें पूरा कंज्यूम कर लेगा उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है, जहाँ पे एंडोस्पर्म बिल्कुल ही नहीं बचेगा उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक, और जिसमें वो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक। ये साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, एंडोस्पर्म इज मेंट फॉर नॉरिशिंग द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के लिए खाना है नॉरिश करने के लिए। अब डाइकॉट्स में क्या होता है, फूड रिजर्व प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, वो कम्प्लीटली जो है वो खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है किसके द्वारा, बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, इन द सीड रिमेन्स एंडोस्पर्म आर हार्डली डिसइंक्रेनेबल, सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक। ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, जहाँ पे एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है वो बिल्कुल नहीं बचेगा, और इसमें बच जाएगा, रिजर्व फूड फॉर फ्यूचर डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन टू सीड लिंक, जब एम्ब्रियो सीड लिंक में डिवाइड होगा ना, वो ग्रो होगा, तो इज केप्ट इन द न्यूसाइलस, वो न्यूसाइलस में रहेगा या कॉटिनिडल्स के अंदर रहेगा। अब इसमें हम ऐसे उसको क्या बोलते हैं, सच सीड्स आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक, ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। एक मिनट हम देखते हैं यहाँ पे, अदर द एंडोस्पर्म इन लार्जेस एंड या कॉटिनेडल्स में रहेगा या एंडोस्पर्म में रहेगा। कॉटिनेडल्स जैसे डायकॉट्स में दो कॉटिनेडल्स है, रिजर्व फूड मटेरियल है, मोनोकॉट्स जैसे इसका नाम बता रहा है, एक कॉटिनेडल है उसमें उतना ही रिजर्व फूड मटेरियल है, तो या तो वो कॉटिनेडल्स में रहता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसको नहीं कंज्यूम करे, बाद में कंज्यूम करे, तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, जैसे नाम से क्लियर है। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो अभी हमने इतना पढ़ा, दैट इज अबाउट द एंडोस्पर्म, तीन तरह से हो सकती है एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन, न्यूक्लियर भी हो सकती है, सेलुलर भी हो सकती है, और तीसरी जो है वो दोनों का मिक्सचर है, दैट इज हेलोविल भी हो सकती है। और इसमें आपने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है, नॉन एंडोस्पर्मिंग क्या है, जिसमें एंडोस्पर्म बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा मतलब वो कंज्यूम हो जाएगा ग्रोइंग एम्ब्रियो के द्वारा, और एंडोस्पर्मिक जिसमें एंडोस्पर्म बच जाएगा, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो उसको पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करेगा, उसमें जो कॉटिनेटर्स है वो रिजर्व फूड की फॉर्म में वो रह जाएगा, उनको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक। ओके, थोड़ी देर में हम देखते हैं डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी एंड द मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी।